गाइस वेलकम बैक ग्रेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जी अच्छे अच्छे डाइजेस्ट सिस्टम पे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लिवर का भी आता है। डॉक्टर साहब, लिवर भी कोई काम कर रहा है डाइजेशन में? जी, लीवर जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और लीवर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास बात जो है वो बाइल प्रोडक्शन है, जो कि जिसको उर्दू में सुफरा कहते हैं। तो बाइल जो है लीवर में पैदा होता है और फिर गॉल लीवर ब्लैडर में रहता जी है। जी फिर लीवर से निकल के स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जब हम खाना खाते हैं तो फिर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को छोटी आंत में भेज देता है, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं तो उनको डायरेक्टली भी जाता रहता है, क्योंकि वो आपका डक्टल सिस्टम जो है, नालियां जो है वो तो अपनी जगह पे कहीं होती पे ही हैं, वैसे स्टोर होके नहीं जाता तो होगा ना। स्टोर होके नहीं जाता। फिर ये कि बॉडी में अडेप्टेशन की काफ़ी अच्छी सलाहियत होती है, बहरहाल किसी हद तक उनको एहतियात करनी पड़ती है। तो ये बाइल जो है ख़ासतौर पर मक्खन फैटी अभी जो आप बात करें तो फैटी मील्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी डाइजेशन की, क्योंकि जो फैट होती है खाने में उसकी एमल्सिफिकेशन के लिए और उसकी डाइजेशन के लिए जो है अच्छा, बाइल जो है वो सिर्फ फैट की डाइजेशन के ज़्यादा, लिए। लेकिन फैट के साथ कई चीज़ें हैं जो अच्छी हैं वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। मसलन ना सिर्फ ये कि फ़ैट जब एब्जॉर्ब होता है तो कई फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, जैसे वाइटामिन ए है, डी है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन के है। ये इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं जिसके लिए फ़ैट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइटामिन जो हैं, जब फैट डाइजेस्ट होगी तो फैट के साथ साथ ये वाइटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो फैट की जब इनडाइजेशन होती है तो ये वाइटामिन जो हैं फिर एब्जॉर्ब अच्छे तरीके एब्जॉर्ब हो से नहीं जाती। होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने से क्या डाइजेस्ट सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित होती है? बहुत ज़्यादा मिर्चें जो पूरी पूरी डिपेंड, लोग कच्ची हरी मिर्चें खा जाते लेकिन हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को जो है स्पाइसी फूड से ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम होता है, उनकी जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर उनको जो है वो फैमिली हिस्ट्री हो एसिडिटी की, या उनको जो है बचपन में से ही जो है वो स्पाइसी फूड नहीं दिया हो तो उनको जो है प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बस लोग होते हैं जो कि आदी हो जाते हैं वो स्पाइसी चीज़ें खाने का, तो उनको इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। इफ़ेक्ट उन लोगों को ज़्यादा होता है जो स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं, स्पेशली बाहर जो रहते हैं लोग जो है स्पाइसी खाना कम खाते हैं, और यहाँ सडनली आ जाते हैं तो यहाँ पे उनको जो स्पाइसी खाना देते हैं तो उनको जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम्स, पेन और वो जो है डिस्टेंशन और ये सारी चीज़ें जो है वो खट्टी चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है वो इसकी वजह से होता है कि आपकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है, आप जो है किस तरह जो है आपका जो है वो सिस्टम घर का है। यूजली जो है वो स्पाइसी फूड से जो है वो इरिटेशन होती है स्टमक में और थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है स्पाइसी फूड से। स्पाइसी फूड से। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं स्पाइसी फूड बहुत अच्छा है डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रीशन करवाने के लिए, फूड की डाइजेशन के लिए और सिस्टम को क्लियर रखने के लिए। क्या अब ये बड़ी कंफ्यूजन है तो हाँ स्पाइसेस लेकर ना? एक हद तक तो देखिए स्पाइसेस जो हैं अच्छी हैं, लेकिन जो बाद का जो इस्तेमाल जो ओवर हो जाता है उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। मगर पाकिस्तानी जो इंडियन पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं वो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। उसमें जो हैं आपकी मिर्चें हैं, धनिया, ये हल्दी है, धनिया है, इनकी कई काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी अच्छी नर्व्स को ये स्टिमुलेट करती हैं, एंटी बैक्टीरिया इनके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, जो खाने की लज्जत जो है ज़ाहिर बात है हम यूज़ टू हैं इससे। लेकिन एक हद होती है हर एक चीज़ की ना, जब उससे ओवर हो जाए तो फिर वो फिर उसको फिर मसला हो जाता है। ख़ास तौर पे जो इन लोगों को आदत नहीं है इनकी स्पाइसेस की, तो उनके लिए मसले में शायद ज़्यादा, ख़ास तौर पे मिर्चों से, जैसे कि हार्ट बर्न्स वगैरह है, मुंह का जलना है, गले का ख़राब होना है, तो मिर्चें एक हद तक सही हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है मुझे लेकिन मैं उससे ज़्यादा जो चाय पी है डॉक्टर उससे ज़्यादा जो है मिर्चें तंग करेंगी, जाहिर बात है कि एक साहब, एवरेज ये जो चाय भी, क्या चाय भी डेंजरस हो जाती है सिस्टम के लिए? चाय रिफ्लक्स के लिए तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि चाय के अंदर इतनी जो अच्छी हाँ थोड़ी थियोफाइलिन बहुत या अच्छी है। नहीं, एक हद तक तो ये चाय आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट हाँ प्रॉपर्टीज हैं बहुत अच्छी हैं उस लिहाज से, लेकिन एक वही बात आती है एक हद तक वो सही है। अब इसमें जो जेंथीन डेरिवेटिव्स होते हैं वो जो हमारा जो वेल्व होता है जो गिजा की नाली को मेदे से सेप्ट उसको रिलैक्स करते हैं, तो लोगों को रिफ्लक्स का मसला बढ़ जाता है, तो एसिडिटी का मसला जो है चाय ज़्यादा पीने से एग्रावेट हो सकता है। तो ये चीज़ को हमें जेन में रखना चाहिए, वही है कि इतदाल के साथ जो है हर एक चीज़ सही है।
आप कितने कप पी लेती हैं प्रोग्राम के दौरान? हाँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो चाय मतलब इतना कोई खास बुझी थी? गरम गरम फूड खाना, बहुत ही गरम गरम खाना खाना, उससे कोई प्रॉब्लम जी? जी, उससे ये है कि देखिए, हमारी जो फूड पाइप है उसकी रेजिस्टेंस एक हद तक है, तो अल्लामिया ने ख़ास उसकी लाइनिंग बनाई है जो कि लाइनिंग मैदे से डिफरेंट है। इसकी लाइनिंग होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, जबकि मैदे की होती है कॉलमनर, तो दोनों में स्क्वेमस काफ़ी मोटी एपिथेलियम होती है ताकि वो गरम गरम खानों को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन एक हद तक। तो हमारे यहाँ एक मसला जो है वो फूड पाइप के कैंसर का मसला है, तो वो फूड पाइप का इसोफेगस का कैंसर वो जो है उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि हर बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ें खाते हैं। मसलन हमारे यहाँ जैसे कहवा है, हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कहवा बहुत ज़्यादा पिया जाता है, और वो फूड और कहवा इतना गर्म गर्म पीते हैं कि जलाता हुआ पीते हैं बिल्कुल, तो वो रेजिस्टेंस जो है एक हद तक वो यहाँ से नीचे जाता, किसे टंग नहीं जल जाती सबसे पहले? एक आदत हो जाती है, लेकिन जाहिर बात है कि वो रेजिस्टेंस एक हद तक लाइनिंग की होती है। जब वो उसमें आप उसको ज़्यादा उसको उस लिहाज से स्टिमुलेट करेंगे तो वो बर्निंग का इफेक्ट जो है इवेंचुअली खतरनाक भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो जैसे सूप हैं, कहवा हैं, बहुत गर्म गर्म जो हर वक्त खाते हैं, ये नहीं कभी कभार खाने में दिन ऐसा या पीने में, लेकिन जो इस तरीके से ज़्यादा है तो वो हार्मफुल हो सकते हैं गिज़ा की नाली के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इनडाइजेशन जो होती है, खाने की इनडाइजेशन, अभी आया सबका जो सवाल आया था वो हमने थोड़ा बीच में छोड़ दिया, मैंने कहा ज़रूर बात करूँगी इस पर। डिफरेंट मेडिसिन आती हैं ऐसी लॉजेंजेस टाइप खाने के लिए भी, और जो लोग इनडाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं खाना खाने के बाद, या तो वो घोल के पी लेते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती ना, आप लोग समझ जाएं, घोल के पी लेते हैं या फिर वो खा लेते हैं लॉजेंजेस जो मुंह में रहती हैं कुछ देर तक के लिए, क्या उनसे इनडाइजेशन सॉर्ट आउट होती है? देखिए, लॉजेंजेस तो वो इतना हेल्प नहीं करते, लेकिन वो हैं कुछ दवाइयाँ हैं स्पेशली अल्का सीजनर टाइप की जो हैं, तो वो उनको जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर जो है लोग जो है वो खाना खाने के बाद एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है या फूड डाइजेशन में हेल्प करानी है? नहीं, देखें इनडाइजेशन क्या होता है? देखें, इनडाइजेशन वही होता है कि जी आप खाना खाएं और हजम ना हो, बद हाजमा जिसको कहा जाता है, उनको पेशेंट जो है वो फील करते हैं कि जैसे जो है पेट जो है भारी है, या डिस्टेंशन हो गया है, या खाने के बाद, या फिर जो है वो गैसेस जमा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है कि पेट में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई। जब तक वो वॉक नहीं करें या जब तक कोई ऐसी चीज़ ना खाएं तो वो डाइजेशन सही नहीं होता है, उसको हम इनडाइजेशन कहते हैं। उसमें जो है बहुत से लोग जो है वो अपनी अपनी हिसाब से करते हैं, कुछ लोग जो है जैसे मैंने बताया अल्का सीजनर जो है पानी में डाल के वो पी लेते हैं, कोई सोडा मिंट की गोलियां खा लेते हैं, कोई जो है वो कोई एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनेसिड का या सेमेथिकोन का जो है या सेमेटिडीन टाइप के जो है ये शरबत या सस्पेंशन पी लेते हैं, मेलेंटा टाइप जो है, तो उसमें वो ये समझते हैं कि शायद वो हेल्प करेंगे। असल में ये होता है कि जी अगर आप ज़्यादा खाना खाएं, जल्दी जल्दी खाना खाएं, तो उसमें जो है थोड़े से मसले होते हैं, और हम तो हमें सजेस्ट करते हैं कि खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और बिलाशक जो है आप 3-4 दफ़ा खा लें, लेकिन कम कम खाना खाएं और हेवी खाना से परहेज़ करें। एकदम जो है आप जो है सारी चीज़ें डिशेज़ खाएँगे तो फिर इनडाइजेशन हो गई, ये भी है। ओके, एक कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गजल बात कर रही हूँ। गजल, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी गजल, क्या कहना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर से, मेरा सवाल ये था कि जो अभी पाइल्स के बारे में डॉक्टर बता रहे थे जी, किस्में, तो जो लास्ट वाली रह गई थी वो प्लीज उसको बता दीजिएगा। लास्ट वाली जो किस्म रह गई उसे बता दें। चले जी, ठीक है, कुछ और पूछ रहे हैं गजल? नहीं, थैंक यू, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, वो लास्ट वाली टाइप किस चीज़ की? पाइल्स की? नहीं, आखिर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ लोगों को एनर फिशर हो जाती है, फिशर रह गए बीच में। फिशर जो फिशर पे आ रहे हैं सर, वो एक कॉल के बाद फिशर पे बात करते हैं। आई नो वो बात बीच में रह गई थी, अभी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दूसरी कॉल की आवाज़ नहीं आ रही, आई एम सॉरी। लेट्स गो टू फिशर, डॉक्टर साहब कुछ पे ये लोगों को यही होता है कि पाइल्स के साथ साथ काफ़ी उनका जो डिफिकेशन का अमल है काफ़ी पेनफुल हो जाता है,
कि जब पखाना करते हैं तो काफ़ी इनर रीजन में पखाने की जगह पे काफ़ी दर्द होती है, उसकी वजूहत में एक वजह जो है फिशर भी है। बाद का ये होता है कि पाइस में क्लॉट जम जाता है तो वो भी पेनफुल हो जाता है। तो फिशर में ये होता है कि पाइस के दरमियान में एक चीरा सा लग जाता है, तो जैसे किसी ने थोड़ा सा एक कट दे दिया हो, तो वो फिर ये है कि काफ़ी पेनफुल होता है। तो ऐसे लोगों का जब एग्जामिन भी करते हैं तो उसमें पाइल्स के दरमियान जी जी जो ये पाइल होती एनर, क्या ये हुई पाइल्स क्या? ये देखेंगे पुली वेसल्स हैं, पुली वेसल्स हैं जो जो कि स्किन से कवर्ड होती हैं या मिकोजा से कवर्ड होती हैं, और ये पखाने की जगह भी होती है, और इससे जब प्रेशर लगता है तो इनमें प्रेशर बढ़ता है तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है। इनको हम पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं। तो कुछ जो हैं कुछ लोगों को जो पाइस के साथ बवासीर नहीं होती लेकिन वो पाइस को टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो जो है ब्लीडिंग नहीं होती। तो इसमें हमारे हकीम हजरात जो दीवारों पर भी देखा होगा कि बादी बवासीर का इलाज तो उसमें ये होता है कि म्यूकस आ रहा होता है पेशेंट को लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। और दूसरा होती है खूनी बवासीर, जो कि दीवारों पे अक्सर लिखा हुआ होता है कि वो खूनी और बादी बवासीर का है, उसमें ये होता है कि ब्लीडिंग हो रही होती तो फिशर वाली होती है। नहीं, ब्लीडिंग वैसे भी पाइल से हो जाती है, पेनलेस ब्लीडिंग पाइल से हो जाती है। तो फिशर भी होती है कि जब अगर कट सा लग जाए, जब आप प्रेशर से डिफिकेट करते रहें तो वो जो है प्रेशर का इफेक्ट जो होता है, पखाना सख्त पखाना जो है चीरा देता हुआ भी निकल जाता है, तो एक कट सा लग जाता है जिसको एनल फिशर कहते हैं। उससे तो सारा वक्त ब्लीडिंग होती रहती होगी। तो उससे ब्लीडिंग के साथ पेन जो है वो फिर आराम से पेशेंट बैठ नहीं सकता आराम से, क्योंकि उसको यही है जब बैठते हुए जाहिर बात है कंजेशन होती है, तो उसको वो बैठते हुए जो है सिटिंग पोजिशन में भी उसको जो है चेंज करना पड़ता है, और वो आराम से अपनी एक्टिविटीज़ जारी नहीं रख सकता। तो उसको जो है फिर एक लिहाज से एक एमरजेंसी है कि पेशेंट का सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके लिए फिर पेन किलर वगैरह देते हैं। लोकल एप्लीकेशन की मेडिसिन होती हैं जो कि लोकल देती हैं, तो उसको कहते हैं टब के अंदर बैठ जाओ, भी गर्म पानी पानी के टब के अंदर, तो उससे भी कंजेशन थोड़ी सी बेहतर दर्द वर्द बेहतर हो जाती है। तो उसकी कई तरीके से उसको फिर लुकआफ्टर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ना टाइम बिल्कुल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया व्यूअर्स। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने व्यूअर्स को इतनी अच्छी नॉलेज जो है आगे तक पहुँचाई, और आई होप आप लोग रिमेंबर भी रखें और आगे लोगों को भी बताएं। अच्छा जी, वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे बेस्ट फाइव के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।